तो चलिए नक्शे के जरिए आपको ये बताते हैं कि यूपी में आज कहां कहां सावधानी बरती जा रही है, किन 14 जिलों में आज इंटरनेट बंद रहेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के इन जिलों में रहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैप के जरिए आप समझिए, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर, अलीगढ़, सीतापुर, लखनऊ, मथुरा, बुलंदशहर, संभल, गाजियाबाद और सहारनपुर, ये 14 जिले हैं जहां पर इंटरनेट की सेवाएं बंद रहेंगी, जहां पर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हर खबर की जानकारी भी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, अभी ये कहा जाए कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात अगर की जाए तो वो क्या होंगे? देखिए पयोधी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की या दिल्ली की, तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सतर्क हैं इस बार, खासतौर पर दिल्ली में, क्योंकि यहां पर इंटरनेट नहीं बंद किया गया है। तो दिल्ली में सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, उन अकाउंट्स पर निगरानी रखी जा रही है जो अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ ही साथ तुरंत दिल्ली पुलिस एक्शन के मोड में रहेगी ताकि कहीं भी 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा ना होने दिया जाए, क्योंकि दोपहर 3 बजे यूपी भवन घेराव का आह्वान भी यहां पे कुछ संगठन के द्वारा किया गया है। तो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है पयोधी, जहां पर यूपी भवन आता है, इस स्थिति में यहां पर भीड़ इकट्ठी ना होने दी जाए तो उनको दूर ही यहां से रोक दिया जाएगा जो प्रदर्शनकारी यूपी भवन आने की तरफ कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर ये देखें तो लगातार सुरक्षा एजेंसियां इस बात का भी मुआयना कर रहे हैं कि कहीं बाहरी तत्व तो कोई इन लोगों को भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले शुक्रवार को हिंसा हुई थी उसके बाद जो तमाम तरह के जांच के बाद ये तथ्य सामने आ रहे कि पश्चिम बंगाल से लखनऊ में कुछ लोग आए थे, कश्मीर के पत्थरबाजों को बुलाया गया था, तो इस तरह की घटनाएं आज ना हो, शांति बनी रहे, इस सब को लेकर पुलिस की तरफ से दोनों राज्यों में विशेष तैयारियां की गई हैं। और इसीलिए पयोधी जी न्यूज भी बार बार अपील करता है कि शांति बनाए रखें, क्योंकि अगर पिछली बार हमने देखा था तो पिछले शुक्रवार की अगर हम बात करें, जुमे की नमाज को लेकर सभी लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, चंद्रशेखर की वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी वहां पर होती है, तो ये जो उकसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोग जो भीड़ में पहुंचते हैं, अगर भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन कर रही है, उनके उकसावे में आकर किस तरह से वो हिंसक हो जाता है, ऐसे लोगों पर अंकुश कैसे? बंद रहेगी, पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, यूपी में धारा 144 लागू है, सभी DMSSPs को अपने अपने जिलों में लगातार फ्लैग मार्च करने के निर्देश। ठीक है, विशाल के पास हम जाएंगे, उनसे एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश हम करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जानकारी भी विस्तार से इस वक्त विशाल साझा कर रहे हैं। लेकिन ये आप जो मैप देख रहे हैं इसके जरिए आप समझिए कि 14 जिले वो कौन से हैं जहां पर इंटरनेट बंद रहेगा। तो मुजफ्फरनगर है, शामली, बिजनौर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर, अलीगढ़, सीतापुर, लखनऊ, मथुरा, बुलंदशहर, संभल, गाजियाबाद, सहारनपुर, ये अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो आपको नेट कनेक्शन को लेकर दिक्कत आएगी, क्योंकि यहां पर इंटरनेट सेवा बंद है। निवृत्ति मेरी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो जामा मस्जिद से हमारे साथ हैं। निवृत्ति, हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा तो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वही बात है कि दिल्ली को किसी भी तरह का मुख्य केंद्र ना बनाया जा सके इस बार, इसको लेकर क्या एक्स्ट्रा एफर्ट? देखिए, आज जो दिल्ली में दो प्रोटेस्ट हैं जिनकी बात हो रही है, जो सर्कुलेट हो रहे हैं मैसेजेस, उसमें से एक प्रोटेस्ट तो है कि जो जामा मस्जिद से लेकर दिल्ली गेट तक रहेगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, 2 घंटे के बीच का ये प्रोटेस्ट रहेगा। और इस बीच क्योंकि नमाज होती है 2 बजे जामा मस्जिद में, और वहां से ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि नमाज के बाद लोग उस प्रोटेस्ट में और जुटें और भारी संख्या में लोग वहां पर आ सकते हैं। जामा मस्जिद की जहां तक हम बात करें तो वहां अभी से ही बैरिकेडिंग, हालांकि क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है और जो प्रोटेस्ट का टाइम है वो 2:30 बजे के बाद का है, तो इस वक्त तो बहुत ज्यादा इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन अंदर तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, पुलिस भी प्रिपेयर्ड है, सारे सुरक्षा बल प्रिपेयर्ड है कि अगर
अगर किसी तरह की ऐसी घटना होती है कि अगर शांतिपूर्ण एक मार्च निकाला भी जाता है और वो किसी तरीके से वॉयलेंस में तब्दील हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को दूसरे तरीके अपनाने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये सारे तरीके और अगर पुलिस को अपनाने पड़ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। लोमस जहां भी दिख रहे हैं लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, उत्तर प्रदेश और खासतौर पर लखनऊ में हमने देखा था किस तरह से हिंसा का केंद्र बन गया था यूपी, अभी मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, पुलिस एक्शन मोड में है, एसआईटी का गठन हो गया है, क्या ये काफी है इन उपद्रवियों से पार पाने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 19 तारीख को जिस तरीके से लखनऊ में हिंसा हुई थी, कहीं ना कहीं उसका असर पूरे प्रदेश में पड़ा था और साथ ही पूरे प्रदेश को जलाने की कोशिश की जा रही थी। लगातार जो हिंसात्मक लोग थे वो प्रदेश में अलग तरह की भावना को लेकर के लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे और साथ ही हिंसा फैलाने का काम कर रहे थे, और लगातार पुलिस के द्वारा उन लोगों को रोका गया, उन लोगों को समझाया गया। आज क्योंकि जुम्मे के नमाज का दिन है तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए जो एहतियात के तौर पर पुलिस की व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो भी तैनात की गई और साथ ही पीएससी के जवान भी तैनात किए गए और चप्पे चप्पे पे पुलिस काफी मुस्तैद है, लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, लोगों को इकट्ठा होने नहीं दे रही है और साथ ही लोगों से लगातार अपील कर रही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, आप किसी तरीके से किसी रैली या फिर किसी ऐसे संगठन में शामिल ना हो जो विकराल रूप ले ले और बाद में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं लगातार लोगों को यहां पर समझाया जा रहा। आपको बता दें कि आज बंद कर दी गई है आज के दिन को देखते हुए, और साथ ही लखनऊ में भी सुबह से ही इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और साथ ही आपको बता दें एसआईटी का गठन कर दिया गया है डीजीपी ओपी सिंह के तरफ से कि कितने जो भी एफआईआर दर्ज किए गए उस पर एसआईटी जांच करेगी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अभी तक के एफआईआर दर्ज है उस पर एसआईटी काम करेगी, क्या एफआईआर सही है क्या नहीं है लगातार, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि जिस तरीके से यूपी पुलिस काम कर रही है, कई सारे बेगुनाह भी इस पूरे जितने भी हिंसा है उसमें उनको फंसाया गया था, उसको लेकर के यहां पर एसआईटी का गठन किया है और साथ ही यूपी पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और यूपी पुलिस के द्वारा यह भी देखा जा रहा है कि किसी बाहर के व्यक्ति का हाथ तो नहीं है हिंसा में, जिस तरीके से पीएफआई का नाम आया था उसके बाद इसी पर आएंगे बंगाल का कनेक्शन भी आया, मैं आपसे लूंगी आगे क्योंकि आईएसआई कनेक्शन इसमें सामने आया है, और साथ ही ये कहा गया कि कश्मीर से पत्थरबाजों को बुलाकर बकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी यूपी में, तो इस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन यूपी की हिंसा में 19 लोगों की मौत हुई है और आपको बताते हैं कि किन शहरों में कितने लोगों की इस हिंसा में जान गई है, क्योंकि इन तभी सभी शहरों में इंटरनेट भी बंद रहेगा, आप ये भी समझिए। हम मुजफ्फरनगर की बात करें, यहाँ इंटरनेट सेवा बंद है, यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हुई थी। बिजनौर में भी दो लोगों की मौत हुई थी, मेरठ में 4 लोगों की मौत हुई है, रामपुर में 1 व्यक्ति की मौत है, संभल में 2 लोगों की मौत हुई, लखनऊ में 1 व्यक्ति की मौत हुई, फिरोजाबाद में 5 लोगों की जान गई, कानपुर में 3 लोगों की जान गई है। तो आप ये वो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस हिंसक प्रदर्शन के चलते लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो क्या एक्शन मोड में सरकार के आने के बाद ये प्रदर्शनकारी काबू में आएंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि सरकार ने इससे पहले जब अल्टीमेटम दिया था उसके बाद भी कौन वो असामाजिक तत्व या बाहरी तत्व हैं जो इस तरह से राज्य की संपत्ति को, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट आके देंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।